हे प्रभु 2 लाख रुपए आ जाएं और सुबह देखो तो अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए, कि मैं अपने जीवन की प्रत्येक जिम्मेवारी को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। आप आज से आप मेरे पास सदैव के लिए रहिए, ही कृष्ण हुए जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण तत्व मेरे भीतर भी प्रकट हो रहा है। इसमें नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज एक बहुत ही पावरफुल सुंदर टॉपिक है। जो लोग भगवान को ये मानते हैं कि उनके मिलने से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा या अध्यात्म के रास्ते पर चलने पर सब तरह का स्ट्रगल जीवन से समाप्त हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। यहां मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि अगर भगवान सचमुच हमारे साथ 24 घंटे रहने लगे तो क्या हो, कैसा होगा, जरा एक बार बात को समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। आज का जो ये टॉपिक है, जो लोग भगवान को ये मानते हैं कि भगवान कोई हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बैठे हुए हैं और आप उनको जैसे भी याद करो वो आपकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने माना हुआ है कि मतलब मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाए, मान लो 2 लाख रुपए की जरूरत है, बस हे प्रभु 2 लाख रुपए आ जाएं और सुबह देखो तो अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए। अगर हे प्रभु मैं हिमालय पहुंच जाऊं, सोचा और सुबह हिमालय पहुंच गए, मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं है ना। आपकी हर एक इच्छा ऐसे पूरी हो जाए ये आसान नहीं है। इसकी बजाय चीजों को परमात्मा ने बड़ा डिफिकल्टी के साथ बनाया है। जो भी चीज आप मांगते हैं बड़ी मुश्किल से वो चीज प्राप्त होती है, उसमें बहुत सारी हर्डल आती हैं, रुकावटें आती हैं, तभी आप उस चीज की कदर कर पाते हैं। अगर सब चीजें आपको इतनी आसानी से मिलने लगे तो हर व्यक्ति के पास हर सुख सुविधा हो जाएगी, लेकिन लोग सुखी नहीं होंगे, लोगों की ये डिमांड आगे ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए परमात्मा सच में अगर कभी आपके सामने आए और कहें कि बस आज से तुम्हारा दुख सदा के लिए खत्म और मैं तुम्हें आज से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल एकदम झकास चलने वाली है और बिल्कुल आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपके हिसाब से अच्छी होंगी, अगर भगवान आपको ऐसा कहें तो आप में से क्या लोग क्या मांगेंगे? आप क्या कहेंगे? प्रभु बहुत अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मांग लेंगे आप ऐसा? कितने लोग यस करेंगे इस बात के ऊपर, जरा कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु क्षमा करें, जिंदगी के बाद जिंदगी की टेंशनें, जो थोड़ी बहुत तनाव मिलते हैं, यही हमारी ग्रोथ का रास्ता है। वो रास्ता ही कैसा जिसमें कोई तनाव नहीं, जिसमें कोई हर्डल नहीं। बहुत शुक्र है परमात्मा का कि उसने आपके जीवन में स्ट्रगल दिए हैं, तो एक एक स्ट्रगल हमारी उन्नति को, हमारी तरक्की को मल्टीपल टाइम बढ़ाता है। इसलिए शुक्रगुजार होना प्रभु का, शुक्रगुजार होना कि हमारे जीवन में स्ट्रगल है, धन्यवाद करना, जो कर्म मैंने किए हैं वो भोग मुझे ही भोगने हैं। इसलिए परमात्मा की आंखों में आंखें डालकर कह देना कि प्रभु जो कर्म मैंने किए हैं उसका भोग भी मैं ही भोगूंगा, लर्निंग भी मैं ही लूंगा, तरक्की भी मेरी होगी, तभी मैं आपको पा सकूंगा। जाहिर सी बात है, परमात्मा को इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है, ऐसा ना समझें। अर्थ केवल इतना सा है कि डेफिनेटली हम परमात्मा से, अगर परमात्मा से कुछ मांगे तो यही प्रार्थना करें कि मैं अपने जीवन की प्रत्येक जिम्मेवारी को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, आप आज से आप मेरे पास सदैव के लिए रहिए, 24/7 आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। आपने क्या मांगा 24/7 परमात्मा मेरे हृदय में निवास करें, बाकी जीवन का हर संघर्ष मैं करूंगा पूरा। मैं अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूं, अपने जीवन में आने वाली डिफिकल्टीज को स्वीकार करता हूं, अच्छे और बुरे कर्म जो मैंने किए हैं उनके फल को मैं स्वीकार करता हूं, बस आप मेरे साथ रहना। क्या मांगा हमने? आप मेरे साथ रहना 24/7। इससे बढ़कर कुछ और क्या होगा? सोचिए, परमात्मा सच में प्रसन्न रहेंगे उस बच्चे के ऊपर। एक बच्चा है जो अपने पिता से बार बार प्रभु ये चाहिए, ये पापा ये चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए डिमांड रखता है। एक बच्चा पापा का हाथ पकड़ के बोलता है, बस पापा आप मेरे साथ हो तो मैं सारी चीजें निपट लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप साथ हो। आप सोच के देखिए वो पिता कितने खुश होंगे कि मेरा बच्चा कितनी अच्छी चीज सीखा है, मेरे बच्चे की लर्निंग कितनी ऊंची है। याद रखिए, तो परमात्मा हमारे इसी भाव को देख रहे हैं। हम एस्केपिस्ट नहीं हो सकते, भगोड़े नहीं हो सकते कि बस सब कुछ तुम ठीक कर दो। सब कुछ तुम ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भगवान कर तो सकते हैं, लेकिन कर देंगे तो तुम क्या गेन करोगे? इसलिए परमात्मा से मांगना कि मैं जो भी आपने चैलेंजेस दिए हैं, मैं हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी जिंदगी के हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं, बस आपकी इतनी कृपा दृष्टि रहे कि मैं हिम्मत बना सकूं, मेरे अंदर ताकत हो, मैं अपनी हर समस्या के समाधान में मैं जो प्रयास करूं उस प्रयास में बस अपनी कृपा भरी दृष्टि मुझ पर रखना और मेरे प्रयास सही दिशा में हो, मैं हर दुख सहलूंगा, बस आपकी कृपा मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए कोई दुख नहीं है। ये जो है, ये है तैयारी, ये है परमात्मा की आंखों में आंखें डालकर झांक कर बोलना कि मैं तुम्हारा हूं, मेरे हृदय में वास कीजिए 24/7। मजे की बात यह है कि वो हृदय में वास पहले से ही करते हैं।
आपको और मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, बस आपको मान लेना है कि हाँ मेरे साथ हैं। आप मानते नहीं हैं, है तो वो हृदय के अंदर तो वो सदा से मौजूद है, हमारा वजूद हमारा अस्तित्व ही उसकी वजह से है, लेकिन मानते कहां है, हम मानते नहीं है। इसलिए एक बार पुनः याद दिलाया जा रहा है, मानिए कि वो मेरे कण कण में मौजूद है, मेरे रोम रोम में मौजूद है, मेरा अस्तित्व उसी की वजह से है। जब आप ये मानते हैं तब आपके ऊपर कृपा बरसती है, तब आप वास्तविक में उनका अनुभव कर पाते हैं परमात्मा का, और फिर जिंदगी की जो भी चीजें आती हैं आपको पता है आपके अंदर वो सुप्रीम पावर है जो अंदर से ही आपका मोटिवेशन है। वो श्री कृष्ण जी आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण हमारे भीतर ही समाए हैं, मेरे भीतर ही समाए हैं, मैं ही कृष्ण हुए जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण तत्व मेरे भीतर भी प्रकट हो रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में, थोड़े थोड़े भगवान का मुकाबला नहीं करने चले हम, लेकिन वो एक आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश है तो अपने अंश जैसे गुण तो होंगे उसके अंदर, बस ऐसे ही गुण हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो इसलिए उन गुणों के द्वारा ये मानते हुए अब से 24/7 मन में रखना है कि मेरे अंतर में मेरे इष्ट गुरु भगवान मौजूद हैं और वही मुझसे सब कर रहे हैं करवा रहे हैं। जीवन में जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उन्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता जाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह के जरूर ये कंसेप्ट आपके जीवन में बड़ा गजब का होगा, बड़ा काम आएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी, उम्मीद करता हूं आप भी प्रैक्टिस करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।